कोनो भी काम कर जा फिर भी हमन के काम से दूसरा जन के वहाँ के उद्देश्य भी पूरा हो सके, यानी कि हमन के साथ में दूसरे के भी भलाई हो सके, ऐसे मेरे के काम कर जी तब भर के हमारे एक असल समाज से भी कला सकल जी। नमस्कार, कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में आपकी स्वागत बा। बुद्ध समुदाय टेलीविजन पर कार्यक्रम में अगली बाटी राज कैमरा पर्सन शंकर के साथ में ऐसे हमारे हरेक कार्यक्रम में हरेक एपिसोड में एक हमारे कोनो भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर ले हमारे कबो राजनीतिज्ञ या कोनो भी क्षेत्र में जो सफलता प्राप्त कर चुकल बाटे एक समाजसेवी कहा जी या हमन के कोनो भी ऐसा व्यक्ति के न्योता दाल जला ताकि वहाँ के विचार से हमारे भी कुछ सीख सकल जा और समाज के नए मोड़ देख सकल जा। ते आज भी हमारे एक समाजसेवी के न्योता दल गल बा ते वैसे हमारे समाज में बढ़िया काम करे के लिए और हमारे समाज के आगे बढ़ाए के लिए हमारे अच्छा काम करे के आवश्यक बा। हमन के युवा लोगन मेन भूमिका हमन के आवश्यक बा और हमारे जब तक युवा लोगन एमा ना लागल जी हमन के जो जब पुरखा बाटे ओखन के भी हमारे कुछ योगदान बा और ओके हमारे कार्यान्वयन करते आगे बढ़े तब भर के असल सभ्य समाज के निर्माण कर सके और हमारे कोनो भी जौन व्यक्ति बाटे हमन की समाज में कोनो भी समुदाय के बाटे कोनो भी वर्ग के कोनो भी पेशाकर्मी बाटे हमारे एक दूसरे के हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़े तब भर के हमारे असल सभ्य समाज के निर्माण कर सके। ते ऐसे आज हमारे बातचीत कर गए यानी कि आज हमारे न्योता दल गए एक समाजसेवी और वहाँ थारू कर्णकारी सेवा ओम सत्य गाँव पालिका के सभापति दिलबहादुर चौधरी हमारे वहाँ के न्योता दल गिलबा कार्यक्रम में वहाँ के मेरे स्वागत कर जी और अभी संग्री सातरल जी कार्यक्रम की अवधि भर ते कार्यक्रम में आपकी स्वागत बा। धन्यवाद। हाँ ते वैसे आज हमन के कार्यक्रम में आल गिलबा खुशी के बात बा ते इतना घड़ी आप कौन कौन काम में व्यस्त रह गिलबा? इतना घड़ी हम थोड़ा छोटा मोटा अपन बिजनेस भी बा, हल्का सामाजिक कार्य में भी सामाजिक राजनीतिक कार्य में भी थोड़ा थोड़ा हम टाइम दे दी। अभी इनके डेट में हम ओम सदीय गाँव पालिका सभापति बाटी और हमार सोच का हो कि हमन के जौन अपन समुदाय जौन साथी लोग बाटे जौन अपन समुदाय अपन दाजू भाई लोग बाटे उन्होंने के कैसे आगे ले जाइए आज उन्होंने कौन हिसाब से उन्होंने हम काम कर रही तो आगे जइए खास उ उद्देश्य से हम आज थाका सा के थारू कलाकारी में आज प्रवेश के लिए बाटी। एक बाद में अब उस समुदाय के आगे ले गई लगलिए अब हमन के अब विभिन्न किस्म के मतलब अब योजना लायक पड़ी वहाँ हमन के अपन योजना मतलब अपनी योजना आई अब हमन के विभिन्न किस्म के योजना मांगे पड़ी राज्य से मांगे पड़ी गाँव पालिका से ले आके हमन के यहाँ हमन के विभिन्न किस्म के तालीम मतलब बहुत हमन के समाज में लागू दुर्व्यवसान में बहुत लोग मतलब कुलत में फसल बाटे कुलत में फंस गिल बाटे सब जन उ सबके अब कुलत से कैसे छुड़ाएगा हुआ उन्होंने बन के एक चेतना मूलक हमन के कार्यक्रम लान के और उन्होंने बन के परिवार के भी दिए मतलब सिखाए पड़ी कि मतलब आज से मतलब ये जो हमन के कुलत में हमन के लैके फंसत है हमन के जो सब मतलब हमन के समुदाय फंसत बा ये सब हमन के अगुआ जो हमन के अग्रज लोग बाटे हमन के जो मतलब आमा बुआ बाटे उन्होंने थोड़ा अपन लैकन के ध्यान नहीं दे पावत है थोड़ा वाच नहीं कर पावत है एकदम मतलब छोड़ दे मतलब वैसे खुला छोड़ देते हैं कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता उन्होंने कोनो वाच नहीं करते एक नाते उन्होंने लैकन के अपन अपन लैकन के सबके एकदम निगरानी रखे पड़ल आ निगरानी रख के अच्छा काम उन्होंने कोनो ना कोनो काम में उन्होंने व्यस्त कराए पड़ल जैसे कोनो भी काम ना रहे तो उन्हें कोनो भी कोनो काम में व्यस्त कराए पड़ल काहे कि हमन के थारू सबसे ज़्यादा कृषि पेशम निर्भर बने और कृषि पेशम निर्भर रहा नाते अब कृषि पेशम निर्भर रहा नाते एक बेर धान बैठा दा गेहूँ धान काट ला गेहूँ लगा दा गेहूँ काट ला तो उतना भर से जीविका उपार्जन होने वाला स्थिति नहीं बा तो एक नाते भी हमन के लेके थोड़ा फ्री हो जाते एक नाते भी हमन के अब लैकन के भी थोड़ा व्यस्तता कैले नाते हमन के एक कृषि कृषि वाला कृषि बिजनेस करे पड़ो कृषि कृषि कैले के साथ साथ में कृषि के व्यवसाय व्यवसायिक रूप से ले जाए पड़ल ताकि आए वाला दिन में जब कृषि व्यवसाय में विभिन्न किस्म के आए वाला जैसे आपके माछा पालन आ जाए आपके मुर्गा पालन आ जाए आपके गाय पालन भैंसी पालन तो ये का हो कि जैसे आम बुआ भी फसल नहीं है बाद में लेके अगर जो पढ़ के आई हैं या तो और काम से हैं तो वो काम में व्यस्त हो जाइए। हाँ आपके जो ये बढ़िया सोच बा
ते ई सोच आपके मन में कैसन के उत्पन्न होल जिसे अब आप सब जिसन हम जिसन जो युवा बाटे सब जन के एक सोच रहा कि हमरे अब कैसे कौन भी सस्ता में लगल जा ओखन के मुख्य उद्देश्य रहला कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमरे धन कमाई जा बकिन का ये जो आपके एकदम बढ़िया विचार बा ये विचार आपके मन में कैसन क्या लेते हैं जब हमरे पढ़त हलिए बहुमुखी कैंपस में हम लगभग लगभग आपके 59 साल में हम फर्स्ट ईयर में जब नाम लिखे हली उन्ना समय हमन के हमें कुल थारू समाज सेवा मतलब कुछ कौन चीज़ से हमें मतलब नहीं रहा लेकिन जब कुछ साथी लोग आईने एक बाद में मतलब हमें हर एक जगह पार्टिसिपेंट करा लगने अपन गांव में भी हमरे गए लिए गांव में देखा तो रल जा गांव के स्थिति गांव के हर एक वर्षा हमन के थार उनके मतलब एनालिसिस हम कहली कि प्रत्येक वर्षा प्रत्येक टोल में लगभग लगभग 2-4 बीघा खेत थार उनके बिकते बा आ ओकर मेन कारण का हो कि कौनो व्यवसाय न रह लेनाते रोजगार न रह लेनाते आज हमन के ओकर कारण आज हमन के मतलब हमारे पाछे नहीं बाँटल जा थारू पाछे नहीं बाँटे कबो नहीं पाछे होंगे कैस की सब चीज़ उनके पास बा लेकिन यहाँ के जो राज्य बा हमन के नेपाल देश के जो राज्य बा आज थार उनके ई देश पाछे कैले बा ई देश पाछे करता कैस की कौनो भी जगह पे जो थारू के जाए के अवसर नहीं देता आ थारू नहीं तो पढ़ल लिखल हर एक सेक्टर में हमन के लेके बैचलर मास्टर हमन के हर एक गाँव में टोल में बाढ़ नहीं करत सब पढ़ा पढ़ घूमत रहे लेकिन हमन के राज्य थोड़ा हमन के सुरक्षित नहीं करस कैसी यहाँ के मूलवासी कल के थारू हो गए लेकिन यहाँ के मूलवासी के मेन सुरक्षा करे के राज्य के दायित्व हो इन्हन के कैसे सुरक्षित कर लिया इनके जिम्मे आज ई देश के सबके मतलब अन्न जैसन चीज खियाए वाले यहाँ के किसान यहाँ के थारू लोग होने लेकिन जो राज्य सत्तम बाढ़ने वो लोग सब आज यहाँ के किसान लोग जो लगावत रहे सब थारू लगावत रहे और उनके खाए वाले सब राज्य सत्तम रहे वाले शासक लोग होने लेकिन आज थारू के ऊपर दामन कहाँ से भैल बा आज देखल जा मधेसी कहल के मतलब साथी लोग वो एकदम बढ़िया होने आईने सब जन मतलब यहाँ मधेसी के हक अधिकार एक कोटा बा दलित के कोटा बा हर एक जात के कोटा बा का लेकिन देश संघीयता में आगे देश संघीयता में आगे और देश के कहने संघीयता में आगे सब जगह पे हर एक जगह पे कोटा छुटिया थे राजनीतिक हिसाब से आप जाइल जा देखल जा आपके कोनो भी सीट में एक थारू कोटा बा और हर एक कोटा बा हर एक जगह पे लेकिन आज जो यहाँ के लोक सेवा बा लोक सेवा के हिसाब से देखल जाए यहाँ कोनो किस्म के कोटा थारू विषय में नहीं बा जौन की थारू कल्याणकारी सभा हमन के सर्वोच्च अदालत में मुद्दा हल लेवा कि थारू के लिए कोटा चाही आ थारू कोटा की न छोड़े हो थारू कोटा दिए पर कही के हमन के थारू कल्याणकारी मुद्दा हल लेवा उ मुद्दा हल लेक बावजूद भी अदालत ओके कोनो सुनवाई नहीं करता कि अब ई हो कि काहे उस सुनवाई नहीं करता आज हमन के शासक वर्ग में हमन के कोनो अपन आदमी नहीं बा हमन के वहाँ तक पहुँच नहीं पू पावता ऊपर तक ओकर नाते भी आज थारून के मतलब एनहन पतन मतलब एकदम थारू सुनवाई नहीं करते हर एक बात नहीं सुनवाई करते रहे ओकर नाते भी आज थारू मतलब उ हिसाब से थारू पाछे पड़ल कल के मतलब पहुँच नहीं बा वहाँ पहुँच नहीं बा ऊपर यदि थारू के पहुँच ऊपर हो जा तब बिहान के दिन में आपके थारू हर एक एंगल से आगे बाँटें पढ़ाई लिखाई में बाँटें लेकिन वहाँ पहुँच ना रह लेनाते अपन आदमी ना रह लेनाते अब देखा जा मधेसी कोटा छुट्टिया दे लेवा दलित कोटा छुट्टिया दे लेवा जो उनकी यहाँ आपके थारू लगभग 6.60% यहाँ थारू जनसंख्या हुआ नेपाल में लेकिन 6.60% ते जैसे राजनीतिक दल में छुट्टिया ले बाँटें उस हिसाब से तो थारू के भी छुट्टिया पड़ गया छुट्टिया पड़ी लेकिन खोईते राज्य यहाँ के राज्य नहीं सुरक्षा करता यहाँ के मूलवासी के राज दबाए खो जाता एक नाते आज राज देखल जा आज देश के स्थिति देखल जा आज कहाँ पुगेल आज हर एक व्यापारी परेशान बा हर एक किसान परेशान बा किसान के समय में मल नहीं देता आज हमन के पाछे काहे बाटल जा सबसे ज़्यादा किसान के हो थारू हो सबसे ज़्यादा खेत जोते वाला के बा थारू बा आज जब ओके किसानी करे बा तब मल नहीं मिलता पैसा बा कैश पैसा दे के भी मल नहीं पावता ये बहुत बड़ा दुख के बात है ओकर कारण से आज हमन के मतलब आज पाछे बाटल जा एक हमन के राज्य ये देश मतलब सच्चाई पड़ल मतलब ये चीज़ के सच्चाई जाए हमारा अनुरोध बा हाँ तो एक बाहिक के जो है ये समुदाय के जो मुद्दा बा अब हमारे हर एक जो पालिका में देखल जाते थारू कल्याणकारी सभा गठन भइल बा अब किनका फिर भी हमारे कितना जगह देखल जाला
अब गाँव पालिका में कहीं देखा जी या नगर पालिका में देखा जाते अच्छा काम होला अपने हिसाब से वो सब चित्रमूलक काम करते रहने, फिर भी अब कितना जगह पर देखा जाते अब एना जो माघी पर्व माघी के पर्व के उपलक्ष्य में कौन भी छोट मोट ऐसे नाच गान कह दिए और बाद में अब तमने अब अश्लील मेर के किस्म के गीत बजा दिए हैं, वो मैं नाच दिए हैं जो उनकी हमारे देखा के लाज लगला और हमने की संस्कृति बच गिल कह के सोचने अब हर एक घर से जो है चंदा असूलीकरण हो जारी कह देने की सब जने एक झाँकी लेकर जाग पड़ी, फिर भी वैसे हमारे यदि सच्चा दिमाग से सोचल जा ते वो कार्यक्रम से खासे प्रभावकारी ढंग से आगे नहीं बढ़ पाए, यानी कि नाच गान तो होबे कर मनोरंजन होला फिर भी जो समाज के एक मुद्दा उठाना हो समुदाय के मुद्दा उठाना है वो हिसाब से नहीं हो पाला, यानी कि और विकृति फैलत जाला। अब एक छू हमारे कहा देखे पाल जाता कि जो अब लहंगा कहा जाते थारू समुदाय के हमन के पहले के अपन पोशाके हो ई भर एक छू संरक्षण होता कि हमारे सोचे सकल जी और बाहिक के कोनो उपलब्धि नहीं बा ते आपके जो एक छू अब नव निर्वाचित के हमारे आपके कही सकल जी भर के एम थारू कर्णकारी में लगल गिल बा शपथ रहल गिल बा ते एम आपके जो सोच कि अब अन्य पालिका जो बाटे ओखन से अलग ढंग से हम अपने थारू कर्णकारी सभा के गाँव पालिका के ले जाब कह के कौन ऐसा योजना नहीं बनाल गया कि हम समाज के जो विकृति विसंगति बा हमारे समुदाय के जो पाछे पर्ना तत्व बा ओके हम समाधान कह के न्यूनीकरण कह के समाज के यानी कि समुदाय के आगे बढ़ाव कह के कौन ऐसा सोच नहीं रखल गया। अब हमार खास सोच का हो अपन मतलब समुदाय के कैसे आगे ले जाइए जा। तो ओकर लिए जैसे हमन के माघी महोत्सव अब मनावल जाने मने हर एक जगह मनावत रहे कि नया वर्ष हो गई के माघी महोत्सव मनाए को उतने ना ही हो हमन के माघी महोत्सव मनैले के बावजूद भी हमन के आगे बढ़ाए को लेकिन हमन के कहा कि अभी इनके एक ठोर कहा कि सबसे ज़्यादा हमन के थारू में आर्थिक प्रॉब्लम रहला तो वो आर्थिक प्रॉब्लम का रहला कि मने आर्थिक ना जुटा खोजने का तो उन्हें कहा माघी महोत्सव मनाए ले का रहला गाँव अभी के स्थानीय निकाय एकदम सरकार वहाँ वहाँ से हर एक जगह से उनके आर्थिक संकलन कह के आर्थिक सहयोग कराने ओकर नाते हर एक जगह एकदम धूमधाम से माघी मनावने और कहीं कहीं मतलब सब साथी लोग अपन अपन भी मतलब चंदा भी उठा के कराने कुछ कुछ और जगह से मतलब और वडा दे कुछ गाँव पालिका दी उस हिसाब से करते रहे लेकिन हमार का सोच हो जौन जैसे ई कुल हमें अपन सोच का लगल कि जौन हमन के माघी मनावल जाला हमन के जौन हमन के पोशाक पहिरन बा एकदम बढ़िया बा लेकिन जौन हमारे नाच गान करल जाला ई हमें थोड़ा हमन के सामाजिक विकृति जैसे लगला दूसरे हमें ई चीज़ मतलब थोड़ा उ पसंद नहीं रहला काहे कि हमार ओकर सबटा कहा कि हमन के अपन लैगन के ई नाच गान से बढ़िया हमन के उन्हन के एठोर हमन के उन्हन के प्रशिक्षित करे पड़ल उन्हन के प्रशिक्षित ऐसा करे पड़ल हमन के मेन मुद्दा ते हमन के अब जे जौन भी करे पहचान के लिए मांगे या तो अपन मतलब समुदाय के उत्थान के लिए मतलब ये मुद्दत हमन के आगे जाए को लेकिन एक लिए जो हमन की करल जाला कि मतलब सबके दिखाई जाला कि हमन के हो अपन अधिकार मांगे को अपन पहचान बचा के रखे को अपन वेशभूषा बचा के रखे को अपन हर एक चीज़ खान अपन मतलब पहिरन बचा के रखे को लेकिन ओकर साथ साथ में हमन के जो दीदी बहनी बाटे हमारे के मतलब जो हमन के स्टेज प्रोग्राम करल जाला उ हमें एकदम मतलब उ करल जा ठीक बा लेकिन जैसे हमन के तो झुमड़ा रहला कनिक दिन हमन के झुमड़ा करत हने सोरठी करत हने हमन एक छोट छोट हाल के देखल जा हमन के बाऊ बाजे सोरठी नाच करें झुमड़ा नाच करें इतना बढ़िया पूरा समाज पूरे एरिया के आदमी आके सोरठी नाच देखे हमें झुमड़ा रहा वैसा वैसा चीज़ के हमन के अपन मतलब संस्कृति कल्चर बचाना हो ई नहीं कि हमन के अब मतलब एकदम ऐसा ऐसा ड्रेस पहन के नाचा डांस करा ई हमें हमू नहीं पसंद बा ओके हमन के तू ओके हमारे एक सत्याग भरी ओके हमन के आए वाला दिन में हमन के सत्याग जाए भी हो एक लिए हमन के अब अपन भाई बहन के सबके हमन के मतलब अपन सबसे पहले तो हमन के शिक्षा दिए पड़ा हर एक व्यक्ति हर एक घर में के मतलब के अपन लैकन के नहीं पढ़ावाता के पढ़ावाता यदि केवनो नहीं पढ़ाए वाला यदि हमार सोच का हो यदि केवनो पढ़ाए शक्ति नहीं बा यदि पढ़ाए क्षमता ना हो तो हमें उन्हन के उन्हन बन के हमरे मतलब पढ़ावल जा हमरे अपने ओर से पढ़ावल जा उनको जिकर मन होती हुए भी पढ़े नहीं सकता हम के पढ़ाई जा उन्हन के अच्छा से पढ़ाई जा पहले हमन के उन्हन के अच्छा शिक्षा दिए पड़ो ये जब हमन के शिक्षा दिहल जाए चेतना हो जाए तो जो सामाजिक विकृति बा हटत जाए और हमन के समुदाय आगे जाए सबसे बड़ा बात शिक्षा हो गई देखा जाए
जब तक शिक्षा हमन के नहीं पाई जाए तब तक हमन के समुदाय आगे ना जाए। शिक्षा पाई चेतना हो जाए तो हमन के समुदाय आगे जाए। आ ओकर साथ साथ में हमन के राजनीतिक प्रोटेक्शन भी चाहिए। बिना राजनीतिक प्रोटेक्शन के हमन के अपन समुदाय के आगे नहीं ले जा मिली। काहे कि हर एक जगह एक तो छोटा से काम के लिए आपके एक तो क्यों दारू पी के कौनों मोटरसाइकिल चला होता होता फंस जाता तब नहीं तक फोन चाहिए पुलिस के तब का कहने उन्हें छोड़ी है नहीं तो उन्हें कुल बस उन्हें के नहीं छोड़े वाला बाटे पुलिस वाले। आजकल तो नेपाल के पुलिस एकदम घुसखोर हो गए बाटे हमें लगा ला जब के देखल जाए जगह जगह में चेकिंग भैरहवा से आप बूटो वाला आई तीन चार जगह चेकिंग भैरहवा से आप तौलिया जाए जा परासी जाए जा दू दू तीन तीन जगह में चेकिंग मतलब ये एकर मतलब ये बहुत हो गई बा। अब क्यों भी अपन समुदायिक व्यक्ति यदि कहूँ लाइसेंस नहीं बा बिलबुक नहीं बा यदि आपके का कहने अगर चेकिंग में पड़ गई ने तब फोन करिए तो फोन कैल मतलब के फोन करिए अब हम के कहीं पकड़ नहीं बा कहूँ ने क्यों से रिलेटेड बा तब उन्हन के परेशानी होता का ओकर नाते भी हमन के एक राजनीतिक में पकड़ बनाए पड़ी प्रशासन में पकड़ बनाए पड़ी हमन के अपन समुदाय के अपन अपन जगह से सबके जिम्मेवारी लेके अपन समुदाय के डील करे पड़ी एठो अगुआ कार्यकर्ता बन के कौनों भी समस्या अपने समुदाय में आए क्यों बिरामी पर ले पे क्यों के कौनों मतलब क्यों के लेके पढ़ले में बहुत टैलेंट बाटे ओकर आर्थिक नहीं हो पावता तो के हमन के कैसे हो अपन पैसा जुटा के कुछ पैसा के सहयोग के पढ़ा दें मतलब ई किस्म के हमन के सबके एक विचार बनाए पड़ी अब बल्ला हमन के समुदाय आगे जा पाई हमन के आगे जाए जाए आए वाला दिन में भी हमन के अब ई किस्म के हमन के विचार हमार विचार बा सगे सम्मा क्यों भी परिवार क्यों भी गरीब रहे ओकर क्यों भी लेके पढ़ाई से वंचित ना हो एक हमार सोच हो तो वैसे हमन के अब समाज में देखा जा कौन भी हमन के आशा के हिसाब से कौन भी दल के बाटे यानी कि पार्टी के जो नवनिर्वाचित हमारे सदस्य लेके अध्यक्ष तक कहा जा ते उस सब कौन भी पार्टी के बाटे फिर भी हमन के समाज में अब कौन भी समुदाय के जो बोलबाला बा कौन व्यक्ति के जो बोलबाला बा पहुँच बा उस जगह में विकास निर्माण के काम तीव्र गति से होला ओकर बाहर के जहाँ के अब जेकर पहुँच नहीं बा उस सब के काम गाँव घर में हमारे देखा जाते कितना वर्ष अब से जो हमन के फिर स्थानीय निकाय के निर्वाचन हो चुका निर्वाचित बाटे अब कितने जन दोहराइल बाटे यानी कि अब पाँच वर्ष बीत के भी अब हमन के छठो वर्ष में लागल बाटे फिर भी अब गांव की स्थिति हेरल जा ते जो के त्यो बा ते हमन के युवा लोगन के कितना भूमिका एमा आवश्यक बा खेले की ताकि हमन के विकास निर्माण के काम तीव्र गति से हो सके या अब कह देखा जाते हमन के अब आजकल अब दो चार दिन से जो कुछ भारी वर्षा हो रहा बा ते अब आजकल देखा जाते हमन के पैंट पहर के रेंगी स्थिति नहीं बा कि हमन के पैंट ऊपर के रेंगे परत बा अब कितना जगह बाटे मोटरसाइकिल लेके जाल जीते बिछला के गिरल के अवस्था बा हमारे ढेर जगह देखे पाए जाते जैसे अब उदाहरण कहा जाते कांची बाजार जो कि ओकर भाई कि अब कितना जने अब एक दिन में 10-15 जन गिरल के अवस्था बा वहाँ ऐसे ऐसे एक उदाहरण हमारे दल जाता ओकर भाई कि अब हमन के जो युवा लोगन के बाटे ओकन के कैसन भूमिका होकर आवश्यक बा कि हमन के जो निर्वाचित बाटे वो जनप्रतिनिधि के एक हैंडल का क्षमता हो सके। अब हमन के जौन युवा साथी लोग बाटे हमन के गांव घर में ओहापन के हम कहली ना ओहापन के थोड़ा चेतना के कमी बा आ हरेक मतलब समाज में बैठ के हरेक जगह जैसे एठो चिया गप होला नहीं जैसे एठो यदि बैठते जगह जगह पे तो एठो चेतना हो आ हमन के कम्युनिकेशन के कमी में देखा जाए कम्युनिकेशन के कमी रहले न ते हमन के अब हरेक मतलब जौन मतलब आपके योजना बा अब योजना से मतलब योजना जो बा ओमे हमन के मतलब आगे बढ़ के काम नहीं कराए सोचने सबसे पहले सबसे झंझट ई मानन है हमन के समुदाय का आदमी कि कौनो योजना क्यों नहीं देता कि मतलब ई करा ई योजना ये कि तुहार काम है कि अब बढ़िया बनावा तब का कहिए हम नहीं कह पाए हमारे मान के नहीं बा फलाने कह दा मतलब इतना सोझापन बा देखल जा और वह योजना यदि अन्य कौन समुदाय भी दे दिया जा तो उन्हन के ऊपर स्टिप ली है का वो कहीं हमें चाहे वो कहीं लेकिन हम समुदाय के कह रहे दा के कुल में फंसे जाए ए फलाने करा गया ए ढेकर अगुवाई करे क्षमता नहीं बा उतना मतलब उतना ऊपर तक सोच नहीं सका था का जैसे बाटे करे वाले भी बाटे नहीं करे वाले नहीं बाटे नहीं बा लेकिन बहुत परसेंट 5% 10% जे आगे बढ़ के काम करल जा ला हम ई कराए आज ऐसे ऐसे कराए तो हमन के ऐसे आगे बढ़ल जी हमन के बाटो घाटो के विकास हुई यहाँ के कई के मतलब बाटे ना अब हमन के देखल जा
एकदम पूरा थारू बोले क्षेत्र में, लेकिन आगे जाके बात करे वाले, आगे जाके बोले वाले मतलब बहुत कम बाटे का। अब फलाना में करता तब हाँ ठीक बा, हम बाटी पछवा पछवा करल जा कहीं के, मतलब वैसा किसी वो के हमें तोड़े पड़ल, आगे बढ़े पड़ल, सब यूवन के आगे बढ़े पड़ल, हरेक व्यक्ति के आगे बढ़े, हरेक हरेक घर से आवाज़ उठाए पड़ल हमन के, मतलब आगे बढ़ के हमन के समुदाय के लिए का, हमन के समाज के लिए, हमन के टोल के लिए विकास निर्माण के हक में यदि काम करे बता, हमन के हर एक चीज़ के कितना बजट हो, कहाँ से कहाँ तक बा, एकर मतलब लेंथ कितना बा, वाइड कितना बा, आपके ओके कौन हिसाब के क्वालिटी बा, ओके हर एक किस्म के ओके जाके गाँव पालिका में देखे पड़ल, वार्ड में देखे पड़ल, एकर कितना कितना के इंजीनियर कैसे बनैले बा, मतलब ओकर कितना ऊँचा मोटाई कैले बा, कितना ओके चौड़ाई कैले बा, ये कुल सब मतलब आगे बढ़ के देखे जाए पड़ल। ई किस्म के यदि हमन के समुदाय के या मतलब हमन के समाज में, हमन के टोल में यदि युवा लोग, हर एक समुदाय के युवा लोग यदि हिसाब से सोचेंगे तो जो हमन के देश में जो स्थानीय निकाय में कहानी सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहानी स्थानीय निकाय में होना, उस चीज़ के अंत हुई। लेकिन अब इनका हुआ कि कौनो जगह पर हमें देखा जाला पार्टीगत कुल चलने, पार्टीगत अपन पार्टी का आदमी खोजे खोज के मतलब काम देने का करे के, तो ओकर नाते भी आपके जौन काम विकास के थोड़ा बहुत काम होला तो एकदम गुणस्तरहीन होला, एक बाद में आपके एक वर्ष नहीं चला उ खत्म हो जाला, तो ओकर नाते भी आपके अभी ये कांसी बाजार की बात गिल गए, ये दू दू तीन तीन बेर पीच हो गई बा, लेकिन आपके अब ई वर्षक पीच करिए पाँच छः महीने वो रोड फूट जाए, उस अब काहे वैसा होता, आखिर राज्य तो पैसा देता, लेकिन काहे काहे कि यहाँ के जो ठेकेदार बाटें, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि बाटें, ये सब इनके गलती बा, जनप्रतिनिधि और ठेकेदार के प्लस यहाँ के जो समाज बा उन्होंने वो कि नहीं देखा रहे, उन्हें जैसे बनावा रहे ठीक हो ही बनेले हुई है कहीं के मतलब लग जाता रहे, ओकर नाते भी हमन के एरिया में जो विकास बा, विकास एकदम मतलब विकास के क्रम हो तो विकास हो तो बा, लगानी लगाता पैसा बजट हर एक चीज़ जाता, लेकिन गुणस्तरहीन विकास मतलब वो रहले नाते वो चाहे एक वर्ष में फूट जाता, घड़ी घड़ी बजट उस जगह दे नहीं पावत रहे, ओकर नाते भी ये समस्या बा, ओकर लिए भी सच्चाई जाए पड़ी जनप्रतिनिधि और ठेकेदार इनके एक बाद में उन्हन के वाच करे के लिए खास वहाँ जनता उठे पड़ी, जनता उठ के हमन के ऐसा चाहिए ऐसा बनाए पड़ल, इतना क्वालिटी के बनाए पड़ल, जब तक जनता ना उठी, जनता आगे ना बढ़ी, तब तक वो मतलब वो टोल में वो वडा में गुणस्तरीय मतलब अच्छा विकास मतलब अच्छा काम कह के ना हो एक समूह नहीं, एक नाते भी हमन के सबके उठे करो। हाँ, तो ऐसे ने हमारे इतना करीब बातचीत कर गया, आज हम लोग बाटी दिल बहादुर चौधरी वहाँ सभापति थारू प्राकृतिक सभा ओम सत्य गाँव पालिका के और हमरे भी आप संगरी बाटी, ते से हमन के समाज आगे बढ़ाए के लिए ते सबसे पहले अब हमन के समाज में तमाने से विकृति बा, वैसे हमारे कह सकल जी जो है अब दहेज प्रथा पहले और आज के तुलना में घटल बाकी के खाने बाकी का और बढ़ल बा, कैसे अब पहले अब जिनसे सम्मान देते रहने बढ़िया बर्तन आजकल नहीं वो कम हो चुकल बा, फिर भी अब हमन के 4-5 लाख के बाइक दे बाटे और बाहे के तमानी जिनसे सामान देख चलन बा, सोफा सेट अन्य तमानी चीज़ अब ऐसे हमन के तमानी से हमन के समाज में विकृति बा, जो नहीं घरेलू हिंसा अब ये सब जो हमन के समाज में समस्या बा, हमन के समुदाय में ये सब हटा के लिए जो थारू प्राकृतिक सभा के कुछ योजना नहीं बा आना दिन में कि ताकि हमन के समाज और असल हो सके। अब हमन के समुदाय में हमन के ओम सतीय गाँव पालिका खाक में हमन के बात करल जाए तब मतलब जौन हमन के दहेज प्रथा के बात आई ई लगभग लगभग एकदम न्यून बा, आजकल के डेट में तो हमें नहीं लगा कि हमन के समुदाय में कि क्यों मतलब मांग करल कि हमें ई चीज़ चाहें, कहे कि हर एक चीज़ हो गई बा, एक प्रत्येक घर में 2-3-4 बाइक बा, गाड़ी बा, हर एक घर में अब मतलब ई कुल से एकदम परिपक्व हो गई बा, अब दहेज प्रथा तो हमन के समुदाय में हमें नहीं लगा कि उन्होंने मांगत हुई, हमने के मतलब बहुत बड़ा परिवार ही बा, लेकिन हमन के परिवार में भी क्यों भी अभी अपने खुला मुँह से तो क्यों दहेज नहीं मांगले बा, हमन के मतलब अपन लड़की अब शादी करत रह जाए तो अपने अपन खुशी से हमारे कुछ भी दे सकल जाला, मतलब वैसा कोनो हमन के समुदाय में वैसा समस्या नहीं बा कि मतलब दहेज दिए वाला सामाजिक वैसा दहेज प्रथा तो हमन के लगभग लगभग ये सामाजिक विकृति हमन के हट गई बा, एकदम हमन के मतलब हटले जैसे लगाता, दो चार ठो रही हैं यदि कोनो लोभी वो भी मांग लेते हों अलग बात हो, लेकिन ऐसा हमन के समुदाय मतलब दहेज के प्रथा हम मतलब नहीं बा,
काहे कि अपन खुशी से अपन लड़की से शादी करता अपन खुशी से अब दहा अब पलंग सोफा अब दराज तो छोटा छोटा अब अपन खुशी सब देते बने क्यों नहीं मांगा तो देखा जा आई आपके भारिया बर्तन तो हम आए वाला था हमके समुदाय के अब न्योता जाला घर घर एक बाद में अब जेकर जो नज़दीकी रही केनो गगरा लेके आई केनो कगाने पराता लेके आई केनो थरिया लेके आई केनो फूले के पराता लेके आई केनो बल्टी लेके आई केनो कुकर लेके आई केनो दराज लेके आई केनो कगाने आपके वॉशिंग मशीन दे दी केनो राइस कुकर दे दी मतलब ई किस्म के कगाने सब अपने खुशी सब लेके देने हाँ एक बाहे के जो हमन के समाज में अब कोनो भी कुप्रथा हो या हमन के बेकार चरचरण हो जो कि हमरे अब कहा जाए कि अपन संस्कृति बचाक चाहिए फिर भी अब कितना ऐसा संस्कृति बा कि हमन के ओमा रिफाइन करे के आवश्यक बा यानी कि ओमा अब एक रिसर्च कह के कौन हमन के बेकार चरचरण बा ओके हटाए और बढ़िया चरचरण बा हमन के बचाए के आवश्यक बा ते ये थारू प्रकार सभा की ओर से अब ऐसा एना दिन में जो आप हमरे ऐसे पहले भी बात कह चुकल बाटी कि एक माघी में कार्यक्रम होला ओकर बाहेक के भी हमरे वर्ष में दू चार कार्यक्रम करे के आवश्यक बात कि हमन के समाज असल हो सके ते ऐसा कोनो योजना आपके सोच में नहीं बा कि हमरे बनाए के आवश्यक बात कि हमन के समाज और अच्छा हो सके हमन के जो युवा पीढ़ी बाटी ओखन के लिए कुछ लाभदायक हो सके कहके अब हमन के खास सोच का हो कि अब जौन हमन के सामाजिक विकृति बहुत बा एकर भी मतलब जैसे आपके हमन के समाज में अब कुछ साथी लोग ढेर तेनाई दो चार % कुछ लोग दिन भर अब दार शराब पी के सांप के जाके अपन परिवार के थरकई हैं डरवई हैं गरियई हैं वैसन वैसन भी कुछ लोग बाटे तो ओकर लिए भी हमन के अब हमार सोच का हुआ कि प्रत्येक टोल टोल में एक ठो समाज उत्थान के एक ठो टोल कमेटी गठन करल जाए आ हमन के कौनो भी वहाँ ओकर प्रत्येक टोल में ओकर अध्यक्ष उद्यक्ष सब चीज़ बनावल जा और उ जगह में मतलब उ टोल में यदि कौनो भी समस्या आवे तब अब गाँव पालिका में तो बहुत टोल बा लगभग 75-76 टोल बा हमन के गाँव पालिका में तब मतलब हर एक टोल में यदि हमन के उ किस्म के एक ठो अपन समुदाय से मतलब एक ठो भला आदमी भला जन सबके मतलब बुद्धिजीवी सब सर्कल के बैठा के एक ठो टोल बना मतलब कोनो भी घर में कोनो समस्या है कोनो के जैसे मरनी करनी भेल जैसे भोज भतेर भेल मतलब वहाँ सहयोग करे के आपके मतलब कोनो के बिरामी भेल ओके आर्थिक नहीं बा ओके मतलब ओके दवाई कराए कहाँ कैसे करल जा मतलब उ किस्म के एक ठो मतलब हमन के टोल टोल में हमन के मतलब एक ठो टोल कमेटी गठन कर जरूरी बा ताकि आए वाला दिन में कोनो भी किस्म के यदि समस्या आवे तो उ टोल में कहे उनके आर्थिक मान लो कोनो बीमा के आर्थिक पैसा नहीं बा तो उ टोल कमेटी जो रही वहाँ के सभापति रही हैं सबके बुला के जैसे हमन के भी तो जानकारी नहीं रही तो उ टोल कोनो टोल में बा तो हमन के जानकारी नहीं रही तो हम अगर जो टोल प्रत्येक टोल में यदि हमन के अपन मेम्बर्स रही हैं हमन के ओके एक्टिव करे पड़े सबके बना तो हम जब फोन करिए जानकारी कहें कि यहाँ इस तो समस्या बा तब उस जगह हमन के मतलब जैसे जाके सहयोग कर सकल जाला अब जैसे हमन के एक ठोर लालेपुर में बा देखल जा एक ठोर 9 महीने के ठो बच्चा बा ओकर दोनों आँख से नहीं लगल देखल जा अब हमने के अपने टोल के उथी में हमू सुन लेवा एक दिन हमू कही मतलब हमू एकदम मतलब अपन काम के व्यस्तता के नाते हम नहीं जा पैलू वहाँ लेकिन हमू मतलब कुछ आर्थिक सहयोग वहाँ कई दिए पड़ल अपने ओर से कहिए अपन पर्सनल ओर से कुछ आर्थिक सहयोग ओके करे के बाद हम एकदम रखले बाटी अपन दिमाग में कि वहाँ जाब आर्थिक सहयोग करब लेकिन हम थोड़ा काम के व्यस्तता तक ना थे हम वो नहीं जा पाए मतलब वैसा वैसा जैसे समस्या यदि केनो रहे तो मान ला गरीब परिवार बा ओकर 2-4 लाख रुपया खर्च लगत दवाई के लिए में तब प्रत्येक टोल से थोड़ा थोड़ा पैसा उठा वहाँ दे दिया जाए ताकि ओके जमा दवाई करा के ठीक हो जाए मतलब वैसा वैसा किस्म के मतलब सोच बा देखल जाए सर अब आए वाला दिन में हमार सोच बा अपन समुदाय के क्या अन्य समुदाय के कौनो भी समुदाय के व्यक्ति यदि पीड़ित बा तो ओके कैसे सहयोग करल जा ओके कौन हिसाब से मतलब सहयोग करल जा इस समाज के मतलब एकदम समाज अच्छा हो एक आपस में एक सद्भाव की भावना रहे न कि ई जात उ जात नहीं चाहे जो समुदाय रहे यदि गरीब बा पीड़ित बा यदि कोनो भी समस्या बा होगा तो के सहयोग करल जाए बिया जैसे कोनो घर में भोज भतेर आ गए तो जब एक संगठन रही प्रत्येक गांव के युवा लोग उनके लैब के टैक सब गांव भर चला उनके घरे शादी बा ब्याह बा चलो सब जन मिलके अच्छा से उनके इज्जत अपन इज्जत हो गई मतलब ओके सबके सहयोग के एक भावना रखे पड़ल इस सहयोग के भावना हर एक व्यक्ति के
मतलब हमन के का ढेर जन के मतलब थोड़ा कुछ लोग होने की मतलब ये कुल से वास्ता नहीं करने, लेकिन लवा लवा ये भावना सबके में रहा देखा जाए। आज तक भी करते आए बाटे, साथी लोग करत बाटे, हर एक जगह सहयोग करते बाटे। ये हाँ, तो ऐसे अब हमन के जो है गाँव घर में एक फाजुल खर्च होला। अब हमन के मरनी हरनी में तो उतना फाजुल खर्च नहीं होला, फिर भी हमन के ब्याह दान जो होला आजकल देखा जाते हम फलाने से कम नहीं बाटी के अब गाँव घर में होते होते अब आजकल तो देखा जाते पार्टी पैलेस में ब्याह हो लगल। अब लड़की के घर कहाँ हो, लड़के घर कहाँ हो, वो भी मालूम नहीं होला। अब जितना हमन के इन्वाइट कर जी, जितना हमन के अब अपन तो लोगन या हमन के साथी भाई हैं, वो सब पार्टी पैलेस में ही हैं, उकर बाद में वहीं से न्योता मान के चल जी हैं। तो एक हमन के फाजुल खर्च उकर बाद में अब एमा देखे सिकी भी होत बा हम ओके से फलाने से कम नहीं बाटी कहके। तो वो सब जो फालतू फाजुल खर्च करत बाटे ओखन के लिए कुछ संदेश देख चाहल जी। हम उन्होंने से हमारा रिक्वेस्ट बा, हमन के पास कितनों पैसा रहे, मतलब पैसा जितना भी कमा लिए हमारे, लेकिन हमन के जो पहले परंपरा चली आई है, हमन के जो मतलब बाजे लोग जो हमन के पुरखा लोग जो हिसाब से शादी ब्याह करत हने, एटो सिस्टम से करत हने, वहाँ देखल जाए एकदम बहुत थोड़ा पैसा में हमन के शादी ब्याह हो जाते हैं। आज के डेट में मतलब कुछ लोग बाटे एकदम मतलब फाजुल खर्च करते हैं, तो ये कुल फालतू खर्च हमन के नहीं करे को, हमन के एक थोड़ा मतलब जितना भी पैसा कमा, लेकिन हमन के एक थोड़ा अपन समाज में जब बांटल जा तो अपन समुदाय अपन पट्टी अपन दादू भाई के सबके सबके सामने रह के अपन छोटा में सके समझ छोटे में शादी ब्याह निपकाए को, काश कि दूसरे के देख के दूसरे देख के यदि हमारे फालतू खर्च कर जाए आखिर वो पैसा कहाँ से आए। हमन के पैसा तो कहीं कमाए वाले नहीं बाटे, खेत के तो हमन के धान बेच के करल जाए, धान उन्ना पर्याप्त धान नहीं बे, धान बेच के कहीं मिली कहा कि किसानी में कहा कि आपके चाहे 10 बीघा हो आपके खेत लगावत रह जाए, यदि मजूरा उजूरा कटा के आप 1-2 लाख बचा लिया जाए तब वो काफ़ी हो, उतने नहीं बचा मिले जो कि अभी की डेट में एक ठो बिया कैले में 8-10 लाख खर्च कर देते हैं। तब वो मतलब का होत बा कि दूसरे की देखी सीखी में होत भाई, ओके ओके इक्वल हमन के रुकेल जरूरी बा, दूसरे के देखी सीखा हमन के नहीं जाएगा, हमन के अपने हिसाब से जैसे दहेज का हमन के दिहल जी तो ठीक बा, मान लो उनके घरे जहाँ शादी करत रहे उनके घरे जब बाइक कोई हर एक चीज़ जब सुविधा उविधा बा तो हमन के ओकर साम ओकर सट्टा में हमन के यदि दिए बा उतना रकम के तो हमन के तो बहुमूल्य सामान आपके घर गहना सोना वैसा वैसा चीज़ दिहल जाए ताकि बिहान बिहान के उन्हें बन के घरे गई ले पे कोनो दुख दवास पर ले पे कोनो एकदम आवश्यकता पर ले पे वो क्यास की सकल जाए, हमन के ऊ साइज उठ जाए जरूरी बा। जौन हमन के फाजुल खर्च करा रहल जाए हमन के वास्तविक बात हमन के कोनो जरूरी नहीं बा कि एकदम पार्टी प्लेस में गए, हमन के अपने घर ही 2-4 खसी काट के अपन घर में पहले भूमि में बैठा हमन के 2-4 पीस के खिया के अपन हमन के एक शादी हमन के मतलब अच्छा से कह दिया जाए, सबके अच्छा से खाना खिया दिया जाए, पेट जे अपने घर आए हुआ उनके अच्छा से पेट भर के खाना खिला दिया जाए, पेट भर के खाना खाए पा दे उससे बढ़ के का हमन के दिखाई जरूरी है, हाई फाई हमन के कैल जरूरी नहीं हुआ। ये कुल कैल अनावश्यक पैसा खर्च कैल हो, अनावश्यक पैसा खर्च हमन के कैल ये हमन के अपन लॉस हो। हाँ, तो आप अमूल्य समय दल के आपके हृदय से धन्यवाद देख चल जाता, धन्यवाद। हाँ, तो ऐसे आज हमारे बातचीत कल गए थारू कड़ी सभा ओम सत्य गाँवपालिका सभापति दिल बहादुर चौधरी जी से, ते ऐसे हमारे बातचीत करते विद्यालय से मैं बात ऐसे हमन के आज के कैमरा पर्सन शंकर होने के विशेष धन्यवाद और कार्यक्रम देख के साथ दल गई फिर से धन्यवाद। ऐसे आज के हमन के अतिथि दिल बहादुर चौधरी वहाँ के फिर से धन्यवाद देते रहिए बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन, हम संचालक राजवी विधायक साहब नमस्ते।